का भावुक हुआ था क्योंकि बहुत मेहनत की है। सर मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, आपकी आंखों में दिख रहा है इस वक्त कि आप कितने इमोशनल हो जाते हैं जब जब अपने काम को देखते हैं, फिल्म को देखते हैं। अपनी कास्ट के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, सबके पूरे टीम वर्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेरे को लग रहा है कि ये शायद जलेबी भाई से भी आगे निकलेगा। और रितु पाठक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हमारे बीच में, प्लीज कम हियर प्लीज। और हमारे इसके डायरेक्टर हैं हंसा एक संयोग के धीरज वर्मा जी। और दुख की खबर यह है कि धीरज वर्मा जी की मदर की डेथ हो गई है, वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन संतोष कश्यप जी हमारे दूसरे डायरेक्टर हैं, इन दोनों ने इस फिल्म को बनाया है। और बाकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम ने बहुत मेहनत की है इसके अंदर और सब ने दिल से काम किया है। और ये किन्नर के जीवन पर आधारित एक फिल्म है जो आज तक बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनी हैं, किन्नर को हमेशा बैड एलिमेंट्स के रूप में दिखाया गया है जितनी भी फिल्में बनी हैं। लेकिन कभी इस समाज ने सोचा नहीं कि किन्नर को कभी किन्नर पैदा नहीं करता, किन्नर को एक पुरुष और स्त्री मिलकर पैदा करते हैं। जब एक बच्चे, क्योंकि छोटे बड़े भाइयों की शादियां नहीं होंगी, लोग क्या कहेंगे कि इनके घर में किन्नर पैदा हुआ है। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पे बहुत बड़ा फैसला दिया है कि इनको भी समानता का अधिकार दिया जाए, ये भी एक पुरुष और महिला से पैदा हुई संतान है। तो हमने उसी के ऊपर एक कदम आगे बढ़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर हमने इस फिल्म का निर्माण किया है। और समाज में निरंतर रूप से इनके ऊपर सभी भारत की जितनी भी स्टेट है, सबके सीएम वो इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय भी इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने तो अभी अप्सरा रेड्डी जी को महासचिव बनाया कांग्रेस का भारत सरकार में। तो इनके लिए सभी लोग कर रहे हैं। मैंने भी एक पहल की है कि शायद फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम होता है समाज के अंदर सुधार लाने का या बदलाव लाने का। तो हमने एक पहल की है कि हंसा एक संयोग इसकी फिल्म बनाई है और उनके जीवन की दशा बताई है कि हम अपने से दूर क्यों करते हैं अपने बच्चों को, जब एक पांव से विकलांग बच्चा भी हमें स्वीकार होता है, आंख से देख नहीं रहा वो भी हमें स्वीकार होता है, और किसी भी प्रकार की शारीरिक विकलांगता अगर किसी बच्चे में हो तो भी हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। डॉक्टर बता देंगे ये कभी चार पाई से उठेगा ही नहीं, तब भी हम लोग उस पर डॉक्टरी इलाज वगैरह सब कराते हैं। तो इसके अंदर ऐसी क्या खासियत देख ली जो इसको समाज से दूर कर दिया? आठवां अजूबा। और इसमें पूरे वर्ल्ड की मीडिया आएगी, गिनीज बुक वाले भी आ रहे हैं इसमें अंदर, और आने वाले मेरे ख्याल से 29 मार्च को चित्राग्राही फिल्म जो है गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं क्योंकि समानता का अधिकार तभी मिल सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेशित किया है भारत सरकार को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको समानता का अधिकार दिया जाए। तो समानता का अधिकार कैसे मिलेगा? समानता का अधिकार तब मिलता है जबकि उसको रिश्तों में बांधा जाए। जब आपने सभी रिश्तों से उसको दूर कर दिया तो समान अधिकार मिल ही नहीं सकते। संघर्ष आपने देखा है और बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई गई है हंसा एक संयोग की। सारी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैंने इसमें एक गाने में अपनी आवाज भी है, सेल्फी कुड़ी प्रखर जो यहाँ पे है जिन्होंने इस गाने का म्यूजिक किया है। आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन सी प्रखर। Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for the music director of the film. Come on. Prakhar sir, please कुछ शब्द कहें, जैसे सब बात कर रहे हैं आप भी कुछ बातें कहिए अपनी ऑडियंस से। Well, firstly, I would like to thank you, Mr. सुरेश शर्मा जी, who gave me this golden opportunity. और second, गाने के लिए ऐसा कुछ कहने वाला तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे एक अच्छा गाना बनाने के लिए पंच लाइन की तलाश थी, मतलब कोई भी पंच लाइन हो। तो मुझे सेल्फी गुडी मिली जो कि बहुत चलन में थी और मैंने वो गाना बनाया और ऋतु जी ने उसमें आवाज़ दी अपनी। थैंक यू सो मच। फिल्म का पहला सफर गाने रिलीज से शुरू हुआ और फिल्म और कहानी के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। सुरेश शर्मा जी ने इतना कुछ कह दिया है, मगर ये मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक छोटे से सब्जेक्ट को लेकर मैं चला था। एक फिल्म बनाएंगे, एक फिल्म थोड़ा समाज से हट के है, एक समुदाय को लेके है, मगर जब शर्मा जी इससे जुड़े तो इस फिल्म को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दे, शायद मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जिस लेवल तक हमारी फिल्म आज पहुँच चुकी है। धन्यवाद। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि शर्मा जी ने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है, तो रिपीटेशन होगा। आमतौर पर हमने देखा है कि हीरो ओरिएंटेड जो फिल्म होती है या हीरोइन से ओरिएंटेड फिल्म होती है, लेकिन ये कहानी बहुत ही यूनिक है शर्मा जी, और हम सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं।
खासकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो बहुत बहुत आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे, थैंक्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. और मैंने गाना गाया है, सो आई वुड लाइक टू सिंग फ्यू लाइंस ऑफ द सॉन्ग. यू वांट टू से समथिंग? यू वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चंस? आई विल, यू प्लीज गो अहेड एंड ओके. सो रितुज, सो देयर इज नो म्यूजिक, तो हम आपकी तालियों की बीट पे गाएंगे. ओके, आर यू रेडी? मैं कुड़ी पंजाबी, मेरी वर्ल्ड वर्ल्ड फॉलोवर है. मैं क्या, मेरी जुट्टी के भी सबसे ज्यादा लवर है. टटड़ा 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 टटड़ा. मैं कुड़ी पंजाबी, मेरी वर्ल्ड वर्ल्ड फॉलोवर है. मैं क्या, मेरी जुट्टी के भी सबसे ज्यादा लवर है. जहाँ कहीं भी जाओ मैं तक फेस बना लूं, खींच के अपने फोटो मैं अपने पेज बना लूं. फिर जो शुरू होते चर्चे बड़े, मैं हूँ सेल्फी कुड़ी, मैं हूँ सेल्फी कुड़ी. लाइक करो सवार, मैं हूँ सेल्फी कुड़ी. कर लो कमेंट हजार, मैं हूँ सेल्फी कुड़ी. लाइक करो सवार, मैं हूँ सेल्फी कुड़ी. कर लो कमेंट हजार. थैंक यू सो मच. इन्होंने हर चीज को संभाला है, पैसे से लेकर हम सबको संभाला है, पूरी टीम को संभाला है. मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा. थैंक यू सो मच सुरेश सर. अब नाउ दैट सो मेनी पीपल आउट हियर ऑन स्टेज, हमारी फिल्म से संबंधित जो लोग हैं, संतोष सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने मुझे अभी पर्सनली कहानी बताई थी जैसे शुरुआत हुई, इंसेप्शन हुआ इस कहानी का, बट ये सब्जेक्ट आपके दिमाग में कैसे आया, किस प्रकार आया? मैं चाहता हूँ कि सब जाने इस बात को. एक बार आप वर्ड भी है और सेल्फिश वर्ड, और आजकल की लड़कियां जो सेल्फी लेती रहती हैं, फाउट बनाती हैं, वही सब है जो आज चल रहा है, वही कुछ नया नहीं. और जब इतनी अच्छी ट्यून मिलेगी, प्रखर भाई ने इतना अच्छा ट्यून दिया, मैं उसको क्रैक नहीं कर पा रहा था. हुक लाइन पूरा गाना लिख के तैयार था, लेकिन हुक लाइन क्रैक करते 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 चार बार चेंजेस आए. सुरेश सर का इतनी बार सजेशन आया, सजेशन क्या ऑर्डर भैया, मज़ा नहीं आ रहा है. तो करते करते फिर जाके वो चीज़ निकल के आई, और अचानक से एक दिन आया और बस मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने इन्हें मैसेज किया और गाना सेलेक्ट हो गया. बट एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनको लेके मूवी आज तक नहीं बनी है, तो उनको समझना उनके बारे में. सो आई प्लेड द नेगेटिव लीड इन दिस फिल्म, एंड इट वाज क्वाइट अ कोइंसिडेंस दैट आई गॉट दिस फिल्म, बट इट्स सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू जस्ट वर्क विद संतोष जी, धीरज जी, सुरेश जी, एंड दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. चूंकि सब्जेक्ट बहुत संजीदा है, और जब ये फिल्म जब बननी शुरू हुई थी तो दैट टाइम 377 वॉज नॉट लीगल, सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस ऑल्सो एज पर फिल्म दैट 377 इज नाउ लीगल एंड वर्ल्ड वाइड अ प्राइड मोमेंट इज बीन सेलिब्रेटेड. सो HANSA इन बिटवीन, विच अगेन विच शोज वन ऑफ द अदर सिंबल ऑफ विच आर डायरेक्टर आई हैव ऑलरेडी सेड, सो इट्स वंडरफुल लाइफ. आई हैव नॉट got to do much thing with the association with the kinners in this, but zindagi mein kai baar aise padav aate hain aur kai baar aise situations aati hain ki jisme kuch sahi ya galat nahi hota hai, lekin kirdaar jo aap mehsoos karne wo aisa hota hai. So it's, I would not like to say it negative because yes, it's quite a crispy one. I don't know whether you guys will like it. Agar aap hindi mein bolenge to zyada acha. ji ये जो फिल्म जो मैंने करी है इसमें मैंने नकारात्मक मैंने भूमिका मैंने निभाई है, तो सकारात्मक और नकारात्मक तो अपने सोच और अपने विचार होते हैं. तो जैसे कि इसमें नकारात्मक, तो चूंकि इस सब्जेक्ट में मैंने कुछ ऐसा कुछ करा है कि जो सामान्यता जो मनुष्य जो नहीं करते हैं, तो चूंकि यही है मेरा किरदार इसमें. काफ़ी अच्छी काफ़ी फिल्म है, आई एम श्योर थिएटर शुड मेक इट लाइक रियली हिट फॉर इंडिया. एक बहुत स्मॉल टाउन गर्ल होती हूँ जिसकी लाइफ में बहुत ऐसे सर्कमटेंस होते हैं, देन उनकी लाइफ में ये आते हैं, तो ये मुझे मम्मी आके बेच देते हैं, बेचने के बाद मेरे को प्रेग्नेंट भी कर देते हैं, देन उनके साथ हाँ उसके बाद इनके साथ मेरी मुलाकात होती है, देन इनके साथ मिलने के बाद बहुत ऐसे सिक्वेंस सर ने अंदर रखे जो बहुत ज़्यादा मज़ा आया काम करके, एंड आई होप कि आप सबको ये फिल्म हमारी हंसा एक सहयोग लाइक. थैंक यू सो मच. शॉर्ट स्वीट सिंपल. थैंक यू वेरी मच. इट्स योर फेवरेट द सॉन्ग?
ये इतनी बार बज रहा है। हंसा एक सहयोग, इसमें मेरा एक आइटम सॉन्ग है जो कि बहुत ही क्लासी आइटम सॉन्ग है। इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी हैपनिंग सॉन्ग, बहुत ही धमाल गाना है। सेल्फी कुड़ी सोशल मीडिया के लिए अच्छा प्रमोशनल सॉन्ग है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू गेट पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू सुरेश शर्मा जी फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस फिल्म। बहुत बहुत इनफैक्ट मैंने रिकॉर्डिंग के वक्त बोला था सुरेश शर्मा जी से कि आई एम होपिंग दिस सॉन्ग जलेबी भाई से भी बड़ा हिट हो और डबल धमाल करे और बहुत बड़ा हिट हो। गाने की लाइनें हैं, मैं कुड़ी पंजाबी, मेरे वर्ल्ड वाइल्ड फॉलोअर हैं, मैं क्या मेरी जूती के भी 100 से ज़्यादा लवर हैं। मैं कुड़ी पंजाबी, मेरे वर्ल्ड वाइल्ड फॉलोवर है, मैं क्या मेरी जूती के भी 100 से ज्यादा लवर है। जहाँ कहीं भी जाऊँ मेंढक फ्रेस बना लूँ, खींच के अपने फोटो को अपने पेज पे डालूँ, फिर जो शुरू होते चर्चे बड़े, मैं हूँ सेल्फी कुड़ी, लाइक करो सौ बार, मैं हूँ सेल्फी कुड़ी, कर लो कमेंट 1000, मैं हूँ सेल्फी कुड़ी, लाइक करो सौ बार, मैं हूँ सेल्फी कुड़ी, कर लो कमेंट 1000। थैंक यू। मेरी उम्मीदें तो बहुत हैं और लेट्स सी पब्लिक को कितना पसंद आता है, और आई एम 100% श्योर कि जलेबी भाई की तरह ही ये गाना हिट होगा। क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट? बहुत सारे हैं 2020 में। मेरे कुछ रोमांटिक नंबर्स आ रहे हैं मूवीज़ में, और मैं कुछ अपने सिंगल वीडियोस कर रही हूँ, इसमें कुछ इंटरनेशनल लेवल के मैं वीडियोस अभी प्लान कर रही हूँ जो कि शूट होने बाकी हैं। तो बहुत कुछ है और जब तक रिलीज़ नहीं होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है बोलना तो, बट बहुत सारी चीज़ें हैं लाइन अप, यू विल ऑल कम टू नो वेरी सून। सबसे पहले हमने फिल्म में स्टार कास्ट जो फाइनल किए थे, शरद जी को फाइनल किया गया, और शरद जी को जब हम कहानी सुनाने गए थे तो सबसे बड़ा एप्रिसिएशन हमको वहीं से मिला। बहुत एप्रिशिएट किए शरद जी की, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा विषय है, मैं ज़रूर इस फिल्म में काम करूँगा। वहाँ से हमारा हौसला और बढ़ता गया और फिर कास्टिंग बनती गई, और जब फिल्म बन के आई तो लोगों ने कहा कि कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, आप लोग भी डिसाइड करिए कि फिल्म कैसी बनी है, कास्टिंग कैसी है। हाँ, मेरी सबसे बड़ी उम्मीद इस फिल्म को लेकर यही है कि समाज में किन्नरों को जो भेदभाव से देखा जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किन्नर ही है जो माँ के बाद अपनी बलाएं लेती है। हम आप चौराहे पे कहीं जाते हैं, अगर 5 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं, नहीं भी देते हैं तो भी अगर वो आपके रूबरू हुई है तो आपकी बलाएं लेती है, और शायद दूसरा कोई होता है तो वो माँ होती है। नज़रिया ज़रूर चेंज होगा, इनका सेंटिमेंट लोग देखेंगे, इनका जीवन देखेंगे कि किस तरीके से अपने परिवार से दूर रह के कैसे अपने परिवार को याद करते हैं, किस तरीके से जब भी ये अलोन होते हैं तो अपने परिवार अपने लोगों के बीच में कैसे रोते हैं, क्या इनका दिनचर्या होता है, और किस तरीके से अपने आप को हमेशा खुश रखते हैं, कोई इनके चेहरे में शिकन नहीं देखेगा अगर बाहर कोई मिलेगा, रोते रोते हंसना। और मेरे हिसाब से अगर इस फिल्म को मेरी कोशिश ये रही, हमारी पूरी टीम की कोशिश रही है कि फिल्म बनाने के बाद अगर नज़रिया ज़रूर लोगों का बदलेगा, और जो हे दृष्टि से जो घृणा की दृष्टि से इनको देखा जाता है नहीं देखेगा। मैं आयुष श्रीवास्तव है। किस तरह का किरदार है आपका, क्या कैरेक्टर जी? हंसा एक संयोग में मेरा किन्नर का किरदार है। इसमें किन्नर की व्यथा दिखाई गई है कि वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं, उन्हें किन किन प्रकार की तकलीफ होती है, किस सुख और दुख से उनको गुजरना पड़ता है, और क्या क्या परेशानी होती है उनके जीवन यापन करने में, उसी के ऊपर स्टोरी है। जी एक लड़का हो के आपको एक किन्नर का किरदार निभाना कठिन होता है, बट जिस प्रकार से जो मेरे कोएक्टर्स हैं और जो किन्नर्स हैं उन्होंने जो मेरी हेल्प की है उसके हिसाब से तो मुझे ज़्यादा मेहनत लगी नहीं ये कैरेक्टर निभाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है एज अ डेब्यू, तो बहुत ही अच्छा लगा। हुँ.
जी एक डेढ़ महीने मैं करीबन उनके साथ रहा, उनको देखा वो कैसे रहते हैं, वो किस प्रकार से बातचीत करते हैं, उनको क्या क्या तकलीफ़ होती है, वो दुखी होते हैं उसके बाद भी वो दिखाते नहीं कि वो दुखी हैं, हमेशा सबकी खुशी में खुश रहते हैं। तो बस उनको अपनाने की कोशिश की है थोड़ी बहुत, बस जैसा हो गया उसको देखते हैं अब कैसा होता है। जी ये मुंबई में हुआ है और मुंबई फिल्म सिटी में हुआ है, आउटडोर लोकेशन में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। जी मेरे हिसाब से ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है, इस टॉपिक पे आज तक कोई मूवी आई नहीं है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स आए हैं बट फुल फ्लेज मूवीज कैरेक्टर पे आई नहीं है, तो मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए रिस्पॉन्स। जी स्टोरी में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि किन्नर का जीवन यापन दिखाया गया है इसमें, उनको दर्शाया गया है कि वो किन किन तकलीफ़ों से गुजरते हैं, तो जिन लोगों के मन में उनके प्रति नफरत है शायद वो मिट जाए, जो उनको देखने का नज़रिया है वो शायद बदल जाए। इसके अलावा जी अभी तो फ़िलहाल यही है, इसके आगे देखते हैं जिस हिसाब से मूवी जाती है, कैसे काम मिलता है कैसे नहीं मिलता है। थैंक यू। मैं सुरेश शर्मा हूं और मैं प्रोड्यूसर हूं हंसा एक संयोग का, और आज हमारा जो है सेल्फी कुड़ी गाना जो है जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुआ है, और उसके उपलक्ष में हम लोग सब लोग यहां एक पार्टी कर रहे हैं, और ये गाना जी के प्लेटफार्म पे आ चुका है, और बताइए क्या पूछना है। हंसा जो है ये स्टोरी है किन्नरों के समाज पे है, किन्नर के जीवन पे आधारित स्टोरी है। अभी तक जितनी भी स्टोरी आज तक फिल्मी इतिहास में बॉलीवुड में आई है, इनको एज ए नेगेटिव करेक्टर्स दिखाया गया है, लेकिन हमारी फिल्म के अंदर किन्नर इसको पूरी फिल्म को लीड कर रहा है, क्योंकि किन्नर को किन्नर पैदा नहीं करता, किन्नर को पुरुष और स्त्री पैदा करते हैं, तो फिर इस समाज से अलग क्यों? उसको घर से निकाल दिया जाता है, माँ बाप भी इससे रिश्ते तोड़ लेते हैं। तो हमारा ये फिल्म में पूरी तरह से दिखाया गया है कि ये भी हमारे ही समाज के अंग हैं, हम लोगों ने ही इनको पैदा किया है, तो फिर हम इनको अपने घर से दूर कैसे रख सकते हैं। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी अभी फैसला आया है कि इनको सभी को जो है समानता का अधिकार मिलना चाहिए, ये भी एक इंसान है। एक थोड़ी सी शारीरिक विकलांगता की वजह से इनको घर से निकाल दिया जाता है, इनका कसूर क्या है? कितनी रिसर्च की है? मैंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, जब ये स्टोरी पे हम लोग काम करने वाले थे तो हमारे को पूरे हिंदुस्तान के किन्नर समाज का समर्थन भी है, और मैं उनके बीच में भी रहा और फिल्म में भी उन लोगों ने काम किया, तो उनसे पल पल की उनके दुख की सुख की सब कहानी हमने सुनी है, और देखा गया कि 100% जो है एक किन्नर जो है दुख में अपना जीवन बिताता है। पैसे से कुछ नहीं होता, मांगने से भिखारी भी बहुत पैसा कमा लेता है, लेकिन पैसे से कुछ नहीं, रिश्ते जब तक नहीं होते ना तब तक इंसान जी नहीं सकता। बिल्कुल होगा नज़रिया चेंज, वो हमने इसमें फिल्म के माध्यम से काफ़ी कुछ दिखाया है। मैंने कहा कि किन्नर को किन्नर पैदा नहीं करता, किन्नर को पुरुष और स्त्री मिलकर पैदा करते हैं, तो जब हमारे ही बच्चे हैं तो फिर हमसे अलग क्यों? ये हमने उनको एक प्रयास किया है दिखाने का, और मेरे ख्याल से इस पिक्चर के रिलीज़ होने के बाद जो है ज़रूर जो है भारत के लोग भी इसको समझेंगे और इनकी इज्जत और सम्मान करने लगे। अच्छा, इसमें मेल को किन्नर बनाया है, तो जी किन्नर ही को क्यों नहीं कास्ट किया गया? और जी जी इसमें क्या था कि आज किन्नर को क्या समझते हैं सब लोग, आधा मर्द आधा स्त्री, तो हमने उसी प्रकार से इसकी एक्टिविटी, किन्नर तो किन्नर की ही बिल्कुल एक्टिविटीज़ करेगा, तो हमने इसमें एक लड़का नया लिया है जो बिलासपुर अपना छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, उसको हमने किन्नर का रोल दिया है इसके अंदर। अखिलेंद्र मिश्रा जी इसमें बिल्कुल अलग किस्म का रोल किए हैं किन्नर की गुरु माँ का, बड़े उत्साहित हैं, और मेरे ख्याल से बॉलीवुड में भी अभी तक जितनी फिल्में आई हैं उसमें किसी न किसी हीरो करेक्टर ने ही इस रोल को निभाया अच्छे से। बहुत उम्मीद है, पूरा समर्थन है किन्नर समाज का, आज भारत के अंदर इतना किन्नर है, खाली किन्नर ही पिक्चर देख जाएगा तो पिक्चर हिट है। पूरे हिंदुस्तान में, हाँ बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में इसको रिलीज कर रहे हैं 5 अप्रैल को हम लोग। बहुत उम्मीद है, हम लोग अभी एक काम और कर रहे हैं जो भारत के अंदर और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक अद्भुत होगा,
जिसको आठवां अजूबा कह सकते हैं। हम लोग 21 किन्नरों की शादी करा रहे हैं 29 मार्च को, जो ये इतिहास बनेगा और भारत के इतिहास में ये नाम दर्ज हो जाएगा हंसा एक संयुक्त का, कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया कि इनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और समानता का अधिकार किसी भी व्यक्ति को तब मिलता है जब वो रिश्तों में बनता है। तो हमने इनको एक रिश्ता देने का प्रयास किया है और 29 मार्च को रायपुर के अंदर 21 किन्नरों की शादी हम लोग धूमधाम से करा रहे हैं। उसमें पूरा मंत्रिमंडल का, हमको सीएम साहब के छत्तीसगढ़ के, उनका समर्थन मिल गया है, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स का। अभी मैं और भी जा रहा हूँ कुछ उद्योगपतियों के पास, वो भी इसको समर्थन देंगे। ये आठवां अजूबा होगा इंटरनेशनल, हमारा है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर वेडिंग सेरेमनी 2019। ये हम एक आठवां अजूबा भारत के अंदर करने वाले हैं जिसमें पूरा वर्ल्ड का मीडिया आएगा वहाँ पर। समर्थन है कि But the Supreme Court never said like that that you should do a marriage. They have given an equal choice. But 377. वो अपनी choice से कर रहे हैं। उन्होंने जोड़े बना रखे हैं। किसी भी किन्नर का प्रेमी उसके साथ है, लेकिन उनकी शादी करे तो करे कौन? कोई तो उठे इस समाज से। कोर्ट ने तो लीगली नहीं कहा है कि आप शादी कर सकते। समानता का अधिकार तभी मिल सकता है जब रिश्तों में बंधेगा। हम एफिडेविट ले रहे हैं और हमें पूरा समर्थन है हर तरह से। सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या, जहाँ से भी अगर कोई ऐसी आवाज उठेगी तो बिल्कुल फाइट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत खुशी है आज हमारी फिल्म यहाँ तक पहुँची। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया और म्यूजिक लॉन्च है, ये भी बहुत बड़ी बात है जिसे हमारा म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, और बहुत बड़ी खुशी की बात है, और क्या करना इससे ज़्यादा। 5 गाने हैं हमारे और हमारे 2 म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ललित मिश्रा हैं, प्रकाश वर्मा हैं, और ऑलमोस्ट आज एक गाना हमारा लॉन्च हुआ है जी से, सेल्फी कुड़ी, वो आप लोग देख ही रहे हैं, और धीरे धीरे करके 5 गाने आ जाएंगे। ये किसी न किसी इंसिडेंट से जुड़ती हैं कहानियाँ, जो भी अगर कोई अच्छी कहानी बनती है तो कहीं ना कहीं कुछ इंसिडेंट होता है, तो किन्नरों के साथ मेरा कुछ इस तरीके से पाला पड़ा था, उनके बीच में आने जाने का मुझे मौका मिला था, वहीं से एक जन्म हुआ कहानी का, कि इनके इमोशंस, इनके सेंटिमेंट, परिवार से दूर रह के कैसे अपना जीवन जीते हैं। जन्म लेते ही कुछ लोग तो 2-4 साल रहते हैं अपने घर परिवार के साथ, कुछ लोग 2-4 साल बाद निकाल दिए जाते हैं। कई बड़े घरानों में ऐसी धारणाएँ होती है कि जन्म लेते ही अगर पता चल गया कि किन्नर है तो उसको घर से रातों रात हटा दिया जाता है। तो कुछ लोगों से मिला, कुछ सत्य घटना और कुछ कल्पना को लेके कहा जाए, क्योंकि चीज़ें जो हमारे समाज में घटती हैं उनको हम काल्पनिक रूप दे देते हैं, तो वहाँ से जन्म हुआ इस कहानी का। और धीरे धीरे हमारे प्रोड्यूसर शर्मा जी हैं, उनसे मुलाकात हुई, मुलाकात में उन्होंने कहानी सुनी, कहानी ये लगा कि हम इस फिल्म को हम बनाएंगे और आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। जी उसके लिए कई चीज़ें हुई, हमने कई किन्नरों का ऑडिशन लिया था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, मगर उनकी जो रियल लाइफ को लेके अगर फिल्म को प्ले करना था तो उनसे पॉसिबिलिटी हो नहीं पाई। हमने कई किन्नरों का ऑडिशन लिया जिसमें जज नहीं कर पाए उन लोगों ने। फिर एक हम ऑडिशन के दौरान ही मुझे मुलाकात हुई आयुष श्रीवास्तव से, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और ये लगा कि नहीं इस करेक्टर को प्ले कर लेंगे। फिर अखिलेंद्र मिश्रा साहब से इस करेक्टर को लेकर जिक्र हुआ, जो गुरु का करेक्टर निभा रहे हैं किन्नरों के महागुरु, तो उनको बहुत अच्छा विषय लगा। फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत की, मेहनत करने के बाद वो 5 से 7 दिन उन्होंने टाइम लिया इस करेक्टर को प्ले करने के लिए। 7वें दिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मैं ये करेक्टर करूँगा। तो एक रियल किन्नर और फिर किरदार निभाना, दोनों में थोड़ा सा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगा कि मेरे जो 2 करेक्टर हैं उनको मैं एज ए एक्टर ही चुनूँ, और बाकी सपोर्टिंग में जितने भी हमारे साथ किन्नर ही जुड़े हुए हैं और किन्नर ही वर्क किए हैं, 22 किन्नर हमारे साथ हैं जो फिल्म में रियल किन्नर काम किए हैं। बहुत 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 मुश्किल होती है, उनके मूड में आया तो बहुत अच्छा कर गए, मूड में नहीं आया तो मतलब बच्चों की तरह संभालना होता है, क्योंकि इनके बीच में रहने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि इनका पूरा जो मूवमेंट है वो बच्चों की तरह ही है,
बचपना इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ। वरुण एक सेकंड थोड़ा सा, शरद जी।